एवरीवन होप सो डूइंग ग्रेट। एंड आज के इस वीडियो टॉपिक में हम लोग जानने वाले हैं एक पैराग्राफ राइटिंग। अब पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है, अगर आप 11th क्लास में हो या फिर अगर आप 12th क्लास में हो तो आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने से मिल जाता होगा। तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है, पहले इसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपको ये बोल रही है, राइट विद द हेल्प ऑफ वर्ड गिवन बिलो अ शॉर्ट नोट्स डिस्क्राइबिंग द सीन एट पोलियो कैंप। थोड़ा सा अगर आप अच्छे से इसके ऊपर फोकस करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये पोलियो कैंप के बारे में बोल रहा है। हेल्ड अंडर द नेशनल पोलियो एजुकेशन कैंपेन बाय द प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यानी कि आपको क्या करना है, एक पोलियो कैंप लगाना है। जो कौन लगा रहा है, पोलियो एजुकेशन कैंपेन के द्वारा लगाया जा रहा है, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स लगा रहे हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, इसी टॉपिक्स को आप लोगों को अपने एक शॉर्ट नोट्स में क्या करना है, कवर करना है। पहला है टॉपिक टेंट सेंटर, दूसरा है लॉन्ग क्यू, तीसरा है चिल्ड्रन अप टू 5 ईयर्स, फोर्थ है बॉडीज इन मदर आर्म, यहाँ पे बॉडीज हो गया ये बेबी आएगा, ठीक है, बेबीज इन मदर आर्म्स, इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे हम, यहाँ पे क्या जाएगा, ये बॉडीज नहीं होगा, ये हो जाएगा बेबीज, ओके, बेबीज इन मदर आर्म्स, नर्सेस नथिंग, ये सॉरी नथिंग नहीं है, नोटिंग आएगा यहाँ पर, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर आ जाएगा नोटिंग, नाम एंड एड्रेस, और लास्ट में आ जाएगा 2 ड्रॉप्स ऑफ वैक्सीन। ओके सो आई होप कि आप लोगों को ये इतनी चीजें पॉइंट समझ में आ गए होंगे पहले। अब हम इन्हीं को क्या करते हैं, एक शॉर्ट नोट्स क्रिएट करते हैं। ओके चलिए देखते हैं। अ पोलियो कैंप वॉज हेल्ड अंडर द नेशनल पोलियो एजुकेशन कैंपेन बाय द प्राइमरी हेल्थ सेंटर। देखो ये मैंने क्वेश्चन से ही उठाया है, ओके? तो अब पोलियो कैंप वॉज हेल्ड, जो पोलियो कैंप है वो हेल्ड हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, अंडर द नेशनल पोलियो एजुकेशन कैंपेन, कौन करा रहा है इसको, नेशनल पोलियो एजुकेशन कैंपेन के तहत हो रहा है ये, बाय द प्राइमरी हेल्थ सेंटर। जिसको कौन क्रिएट कर रहा है, कौन बना रहा है, कौन जनरेट कर रहा है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर कर रहा है। तो ये हमारा पहला पॉइंट है, अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ना चाहते हो और उसको लॉन्ग टाइम तक याद रखना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, उसको ना पॉइंट पॉइंट में डिवाइड करके आपको लर्न करना होगा। नेक्स्ट देखिए, ए टेंट वॉज स्पेशली एरेक्टेड फॉर दिस पर्पस, या आप इसको अरेंज्ड भी बोल सकते हैं, अ टेंट वॉज अरेंज्ड फॉर दिस पर्पस। ये जो टेंट है ना, ये इसीलिए लगाया जा रहा है पोलियो कैंप के लिए। There was a long queue of parents with children up to 5 years. देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लंबी लाइन लगी है किसकी, पेरेंट्स की, और किनके साथ में, विथ चिल्ड्रंस, ओके विथ चिल्ड्रन, एक लंबी लाइन लगी हुई है किसके साथ में, चिल्ड्रन के साथ में, अप टू 5 years, 5 वर्ष से वहां तक के, 5 वर्ष तक के बच्चों की क्या है, लंबी कतार लगी हुई उनके माता पिता के साथ में। Some mothers were holding their babies in their arm. इसका मतलब है कि कुछ जो माताएं हैं उन्होंने अपने बच्चे को अपनी गोद में रखा हुआ है। At the center, a nurse was noting down the name and address. हमको बोला था ना पॉइंट में कि नोटिंग डाउन करना था नेम और एड्रेस ऑफ द चिल्ड्रन। किसका करेंगे, माता पिता का तो करेंगे नहीं, हम बच्चे का करेंगे जिसको हमको पोलियो ड्रॉप देनी है। Got it my point? इतने पॉइंट्स क्लियर हुए। तो अभी तक हम लोगों ने कितने पॉइंट्स देख लिया, देखो पहला पॉइंट ये देखा था, दूसरा हम लोगों ने देखा टेंट वाला, और थर्ड पॉइंट हम लोगों ने देखा कि कुछ मदर्स आई हैं जिन्होंने अपने बच्चे को अपने आर्म पे रखा हुआ है, ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट में क्या करा, नर्स क्या कर रही है वहां पे, नेम नोट डाउन कर रही है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देन पुटिंग एन इनेडिबल इंक मार्क एंड द लिटिल फिंगर ऑफ देयर लेफ्ट हैंड। बच्चों को ना लेफ्ट फिंगर पे क्या किया जा रहा है, एक मार्क लगाया जा रहा है, इंक मार्क। जब आप छोटे रहेंगे तब भी आपने देखा होगा कि जब भी आप पोलियो की दवा खाने जाते थे तब आपके हाथ पर एक लिटिल फिंगर जो होती है लेफ्ट हैंड की, उस पर एक मार्क लगा दिया जाता था इंक से, जो कुछ दिनों तक मिटता नहीं था। तो इससे ये पता चलता है कि आपने पोलियो ड्रॉप ले लिया है, ठीक है। अनदर नर्सेस वॉज पुटिंग 2 ड्रॉप्स ऑफ वैक्सीन टू ओपन द माउथ ऑफ द बेबीज, ओके। बाकी दूसरी नर्स क्या कर रही है, कुछ नर्सेस क्या कर रही हैं, नाम नोट डाउन कर रही हैं, कुछ नर्सेस क्या कर रही हैं, लिटिल फिंगर में इंक मार्क कर रही हैं, कुछ नर्सेस क्या कर रही हैं, कुछ नर्सेस कर रही हैं
दो ड्रॉप डाल रही है मुंह में, बच्चे का माउथ ओपन कर रही है, और दो ड्रॉप्स डाल रही है किसकी, पोलियो की, ठीक है, ताकि बच्चों को पोलियो ना हो। और हमारे इंडिया में ये हर वर्ष होता है कि बच्चों को पोलियो की ड्रॉप दिया जाता है। सो आई होप कि आप लोगों को ये पोलियो एजुकेशन कैंपेन के द्वारा जो पोलियो ड्रॉप पिलाई जा रही है, इसका जो शॉर्ट नोट्स था ये आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ आया तो इसको कुछ नहीं करना है, नोट डाउन कर लो अपने कॉपी में और इसको एक से दो बार वीडियो को देख लेना। डेफिनेटली इट्स माई गारंटी कि आपको डाउट क्लियर नहीं होगा और एग्जाम में आप एज इट इज वर्ड यूज कर पाओगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन चक्कर में कोई भी नहीं है, टक्कर में।